Hello guys, welcome back to my channel World of Notes and welcome to today's class. In today's class we'll be talking about the interrogative sentences and focusing on the interrogatives with helping verbs of the past tense. In the earlier video of the interrogative sentences part 1 we had done for the present tense, okay, helping verb questions of the present tense. Today we'll start with the past tense. Let's get started. So okay, starting with a simple present tense, did actor formula देखते हैं, did plus subject plus verb 1 plus object plus question mark punctuation में, ठीक है, तो did change हो जाता है was verb में, ठीक है, was singular के लिए आता है, verb plural के लिए आता है, तो passive में change हो जाएगा, was verb plus object plus verb की third form plus by subject plus question mark. ये बहुत ज़्यादा focus करने वाली बात है और याद करने की बात है कि हमेशा जब हम passive construct करते हैं we always use the third form of verb. Did Numbra eat pasta? तो pasta singular है, object का verb लेगा presently, ठीक है, so was pasta eaten by Numbra. फिर present continuous tense जो काम past में हुआ था. Was verb plus subject plus verb 1 plus ing plus object plus question mark, ठीक है, तो यहाँ पे हम verb की third form करेंगे, साथ साथ में हमें tense को continuous बनाना है, तो हम was verb के साथ देखकर और helping verb use करेंगे being, so was verb plus object plus being plus verb third plus subject plus question mark, ठीक है, तो being plus verb third आएगा, so were cookies being eaten by Numbra. उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट द पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट में हैड यूज आता है सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ, ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ. हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. हैड Numbra eaten कुकीज. जब हम इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो वहां एक और हेल्पिंग वर्ब हमें ऐड करना पड़ता है बिन, और हैड ऐसा पास्ट टेंस का वर्ब है जो सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ जाता है. सो हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. सो हैड कुकीज बिन ईटन बाय Numbra. ओके, नेक्स्ट आपको यूज करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. सो हैड Numbra बिन ईटिंग लंच फॉर 20 मिनट्स एंड देर फोर. अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो वो चेंज नहीं होता है पैसिव वॉइस में. सिस गाइज, दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. आई होप यू एंजॉयड इट एंड इफ यू डिड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. ऑल्सो आपको इस पार्ट 1 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डू चेक इट.